हेलो दोस्तों, तो हम आज बात करते हैं सहारा विरोध सहारा के विषय पे। एक नया टॉपिक मैं डाल रहा हूँ आपके सामने, जिसमें एक मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो सहारा और तेजी का जो मैटर चल रहा है वो आखिर है क्या। सहारा ने जो एक आरोप लगाया है सेबी पे कि जिस समय इनसे डिमांड की गई थी कि ये पेमेंट मतलब कि सेबी को दी जाए और ताकि सेबी उस भुगतान को पूरा कर सके, तो वो हमारी 24,700 करोड़ रुपए की थी और सहारा ने अभी तक करीब 22,000 करोड़ रुपए सेबी को डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन आज भी सेबी ने करीब केवल 107 करोड़ रुपए ही वो पार्टियों को वापस कर पाया है, बाकी रकम अभी भी उन्हीं के पास है। और सेबी का कहना ये है कि अभी तक जितना भी डिलेशन हुआ है आपकी तरफ से या सहारा से जो डिमांड की जा रही है पेमेंट की, तो उसमें वो 15% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगा के करीब 62,500 करोड़ की डिमांड आज भी रखी हुई है, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। सेबी ने करीब 150 पेपरों में 150 विज्ञापन देकर ये बोला गया था इन्वेस्टर को कि जिनके जिनके पेमेंट हैं तो वो हमको कांटेक्ट करके मतलब मेरे को ये सारी चीज़ें भेजें अपने, तो मैं उनके पेमेंट कर दूंगा। और लास्ट जो एडवर्टीजमेंट दिया गया उसमें ये भी कहा गया कि ये एक अब अंतिम अवसर है, जिसके भी पेमेंट रह गए हों तो वो उस पेमेंट को पूरा कर दे, मतलब अपनी फॉर्मेलिटी दे दे ताकि उनके पेमेंट कर दें। लेकिन सेबी ने केवल आज तक की डेट में केवल 107 करोड़ तक के ही पेमेंट अभी तक किए हैं, और जबकि सहारा तक के द्वारा जो जमा किया गया पेमेंट है वो करीब 22,000 करोड़ है, और जो सेबी ने सहारा से जो मांगा था पैसा वो 24,500 करोड़ रुपये का था, जिसमें 22,000 करोड़ रुपये तो ऑलरेडी डिपॉजिट हैं। तो जहाँ पे अगर इतना पेमेंट डिपॉजिट है और इन्वेस्टर को केवल 107 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो ये तो किसी चीज़ में समझ में नहीं आता है। कितना पेमेंट होते हुए भी जो पेमेंट जो भुगतान में गया है वो केवल 107 करोड़, बाकी पेमेंट का क्या मैटर है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। आज भी ये सेबी जो सहारा पे ज़बरदस्ती का एक आरोप ठोका जा रहा है कि ये हमारे पास पेमेंट नहीं है, आप पेमेंट पहले पूरा जमा करवाइए, जिसमें कि 62,500 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है, और ये डिमांड जो 24,500 करोड़ था उस पर 15% का रेट लेट पेमेंट लगाते हुए की जा रही है, जो कि एक तरह से गलत है। तो सारा जो मैटर इस समय जो चल रहा है, तो उसमें अभी तक ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि भुगतान सहारा करेगी या सेबी करेगी, लेकिन आने वाले समय में लोगों के भुगतान होंगे, वो अब किस तरीके से होंगे तो आगे वाला समय ही बता पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमने इस टॉपिक को बताया था। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक नए टॉपिक पे सहारा के विषय में। तो सहारा का अगर नाम देखते हैं तो आज के डेट में क्या छूटा नाम नहीं है, आप सभी की जबान पर कभी कभी सहारा का एक समय ऐसा था कि सहारा का नाम सभी लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर ज़रूर थी, लेकिन ये था कि अगर किसी से भी बात की जाए सहारा इंडिया को, वो अगर जानता है तो फट से बोलता था हाँ भाई मैंने उस पर पेमेंट भी अपना लगाया और मेरे को मैच्योरिटी भी मिली और सारी चीज़ें मेरी सही ढंग से चली हैं। तो सहारा इंडिया की अगर हम बात करें तो 1973 से ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी गोरखपुर ब्रांच से, जिसमें कि तीन लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें कि मेन मुखिया जो थे हमारे सुब्रत राय सहारा जी थे। उन्होंने अपनी तीन लोगों की टीम से इसको इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कर दिया या सहारा हर किसी की जुबान पर सहारा इंडिया परिवार का नाम जानता है आदमी। इन्होंने अपने को जो पहले सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, तो इनका सबसे पहला जो मोटिवेशनल था कि आरडी पर्पस, कि लोगों का एक मंथली का अमाउंट हम लेते रहेंगे और कुछ समय के बाद या जो भी टेन्योर होता था उसके बाद हम उसमें कुछ इंटरेस्ट को लगा के हम उसको पूरा वहाँ पे वापस करेंगे। तो इस तरह की स्कीमों को जब उन्होंने चालू किया तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। इसके बाद इन्होंने एफडी की भी स्कीमों को स्टार्ट किया, जिसमें कि एफडी आपकी 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक की स्कीमों में लोगों ने पेमेंट को इन्वेस्ट किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता था वो आरडी पर्पस से ही होता था, जिसमें हमारा मंथली डिपॉजिट और डेली डिपॉजिट भी हमारा किया जाता था। डेली डिपॉजिट में डेली के अमाउंट डेली का जो एक इन्वेस्टर अपना अमाउंट देना चाहता था तो उसको भी कलेक्शन करने के लिए अलग से भी एक टीम को लगाया हुआ था,
ताकि वो डेली के लिए मतलब किसी भी बंदे को उस तरीके का मतलब बाउंड्री ना दी जाए, ताकि वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे थ्रू कलेक्ट होता रहे और लोगों का पैसा एक मुश्त होने पे उसको वो वापस भी मिल सके। तो धीरे धीरे इनकी आरडी, एफडी और एमआईएस और ये जो एफडी थी उसके बेस पे इन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि बाद में सारा जो हो गई है सारा इंडिया परिवार के नाम से जाने जाने लगी। और उसने बहुत सारी कंपनियों की भी स्थापना कर दी, जिसमें आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, मल्टीमीडिया हो गया आपका, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, हाउसिंग डेवलपमेंट हो गए, और बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च हुआ और बहुत सारी चीज़ें भी आज के समय में भी आई हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो एक समय था कि सहारा का बोलबाला था, लेकिन 2013 के बाद से थोड़ा सा इस पर डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और आज हमारे करीब करीब इन्वेस्टर जो जिनका पेमेंट वहाँ पे जमा है तो वो पेमेंट इस समय रुके हुए हैं। कारण जो है वो सारा सेबी का मैटर, सारा सेबी का मैटर ये है कि रातों रात जो पेमेंट इन्वेस्टर के थे उनको सीधे सीधे क्यू शॉप में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और किसी भी इन्वेस्टर की रजामंदी नहीं ली गई थी, ये इंटरनली ट्रांसफ़र थे। बाद में धीमे धीमे ये हुए कि मतलब पेमेंट को वापस कर दिया जाएगा, आप लोगों को पेमेंट कर दिया गया है, और जब सेबी ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया तो उनको ये जवाब दिया कि मैंने इन्वेस्टर को उनके पेमेंट कर दिए हैं। सेबी ने जब इस ऑब्जेक्शन से बात की कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बिल वाउचर या जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को प्रोवाइड करें ताकि मैं भी इससे निश्चिंत हो सकूं कि आपने पेमेंट किए हुए हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे पेपरबाजी की है और ये कोर्ट में भी केस चलने लगे और सारा ने बहुत सारे दस्तावेजों को सीधे सेबी के ऑफिस में भी भेजा, लेकिन सेबी ने उसको मना कर दिया चेक करने के लिए, क्योंकि वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि सेबी भी अपने वर्कर को लगा के वो पूरा नहीं करवा सकती थी, तो उसने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। आज सेबी के पास सारा का पेमेंट भी रखा हुआ है और उस पर भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैटर अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर बात करें कि सेबी की तरफ से पेमेंट की, तो सेबी की तरफ से पेमेंट करीब करीब अगर देखा जाए तो करीब 5% या 10% ही पेमेंट इन्वेस्टर को हो पाया है, बल्कि अभी 90% या 95% पेमेंट अभी भी लोगों के रुके हुए हैं। मैटर यहाँ पे सारा सेबी का चल रहा है, लेकिन इनसे जो सारा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो इन्वेस्टर का ही पड़ रहा है। इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी ना वो उसको पेमेंट सारा से मिल पा रहा है ना सेबी से मिल पा रहा है। लेकिन अभी इस बीच कुछ चर्चा इस तरह की सुनने में भी आई हैं कि पेमेंट आगे मतलब कुछ महीनों के बाद से पेमेंट को शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन किस तरह के वादे कई सारा ने बहुत बार किए हैं और वो हर बार इस बार फेल हो रही है। लेकिन कभी एक समय था कि सारा ने जो भी वादा किया हो तो वो वादा हमेशा पूरा होता था, लेकिन ये कुछ सालों में मतलब 2013 के बाद अगर देखा जाए तो वो जो भी चीज़ें बोलते हैं तो उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। तो आने वाले जो हमारे समय हैं या कुछ महीनों में जो पेमेंट के लिए नोटिस दी जा रही है कि कुछ पेमेंट मतलब स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी इस पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों अब केवल ये इतना हम लोग कर सकते हैं कि अब तक थोड़ा सा जैसे समय लिया गया तो उस पर हम वेट कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम उसको किस तरह से पेमेंट ले पाएंगे, या सारा पेमेंट करेगी या सेबी करेगी, और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे कि सारा ने अगर लॉकडाउन के मैटर पे अगर बात करते हैं तो लॉकडाउन में बहुतों की रोजी चली गई, नौकरियां चली गई, लोगों को रोज़गार चले गए। लेकिन अगर हम बात करें सारा इंडिया परिवार की, तो यहाँ पे हमारे जो सुब्रत राय सारा जी थे तो उन्होंने किसी भी अपने सेक्टर के किसी भी कर्मचारियों को रिलीज़ मतलब नहीं दिया, मतलब कि किसी को भी छुट्टी नहीं दी और ना ही किसी कर्मचारियों को अपने ऑफिस से हटाया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भी किसी भी कर्मचारी को उनके पद से ना हटाना। और दूसरी चीज़ है कि वह जो अनएम्प्लॉयमेंट थे तो उन्होंने बहुत लोगों को मतलब अपने ऑफिस में भी वर्क दिया उनकी योग्यता के आधार पर। और हमारे अगर हम बात करें कि मतलब टोटल जो ऑल ओवर इंडिया हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो करीब 4,05,874 हैं,
जिसमें कि बहुतों को मतलब उन्होंने प्रमोट करते हुए उनको नए नए पद भी दिए और उनकी सैलियाँ भी बढ़ाई, और यहाँ पे जो जगह वैकेंसी खाली हुई तो उसमें उन्होंने नए नए एम्प्लॉय को भर्ती किए उनके योग्यता के आधार पे। तो ये बहुत अच्छा ही मतलब चीज़ रही कि उन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब रोज़गार के मामले में भी लोगों को बहुत सारा रोज़गार दिया, लोगों ने मतलब अपने हिसाब से काम किया, चाहे वो कर्मचारी बन के किया हो चाहे वो एजेंट बन के किया हो, लेकिन काम सभी ने किया है। और उसी को मद्देनज़र रख के ये देखा जाए कि यहाँ पे जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा किया था, ताकि लोगों को जिस समय लोगों की रोजी रोटी या मतलब लोगों को रोज़गार चले गए तो उस समय उन्होंने उसको रोज़गार दिया, उनके घर में मतलब चीज़ें आनी शुरू हुई, जो मतलब जहाँ पे जिनको दिक्कतें हुई उनको भी संभाला, कुछ को यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से लोन भी ऑफर किए हैं और लोन भी दिए हैं ताकि वो अपने लोन को बाद में अपनी सैलरी से भी कटवा सके। तो ये एक अभूतपूर्व सफलता है कि मतलब आज की डेट में हमारे सारा के जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, और लेकिन बस फर्क इतना पड़ा है कि पेमेंट ना होने की वजह से आज हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है वो थोड़ा कम हो चुका है, स्पेसेस थोड़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर जो सारा सेवी के अकॉर्डिंग जो भुगतान है वो अगर लोगों का होने लग जाएगा तो उस हिसाब से फिर से एक बार फिर से हमारा सारा इंडिया परिवार पर उसी तरीके से परचम लहराएगी जिस तरीके से वो 2012 या 13 में लहराती थी। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।